कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट करना, तेज करना। मैक्सिमम टाइम जब भी वर्ड आएगा कैटलिस्ट का काम क्या है जी, रिएक्शन को वो तेज करता है, फास्ट करता है। बट कई बार हम वर्ड यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक में आने वाला है एडिड कंट्रोल चैप्टर जो हमारा बचा हुआ, तो वर्ड यूज़ करते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। केमिस्ट्री लैंग्वेज में वर्ड यूज़ होगा पॉइजन। पॉइजन मतलब जहर कर डालने नहीं होता, पॉइजन का मतलब है जी अपोजिट, स्लो रिएक्शन को स्लो कर देना, स्लो डाउन कर देना। हाइड्रोजन परऑक्साइड जब टूटता है तो उससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलती है। अब हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसको एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं जी रॉकेट में, सैटेलाइट में, जो भी हमारे लॉन्च किए जाते हैं, बिकॉज धमाका है, काफ़ी एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ से मैंशन किया कि अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन रहा है, हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोजिव गैस है, ऑक्सीजन एक्सपोर्टिंग गैस है, दोनों चीज़ें खतरनाक बन रही है, तेजी से बन गई, हल्का सा भी स्पार्क हो गया तो धमाका पक्का है। तो क्या करते हैं जी, उसमें ग्लिसरीन डाल देते हैं, ग्लिसरीन दैट जो छालों पे लगाते हैं जी, मीठी मीठी जो। तो ग्लिसरीन क्या करती है, रिएक्शन करती है, पर रिएक्शन को बहुत स्लो कर देती है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनता है वो स्लो स्लो बनता है, और हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, इजिली सेपरेट हो गए और वो एक्सप्लोजन से हम बच जाते हैं। तो मतलब ऐसे नंबर ऑफ रिएक्शन थी जहाँ रिएक्शन को हमें स्लो डाउन करना था। मैक्सिमम टाइम तो कैटलिस्ट का काम नॉर्मली आपसे पूछा गया कैटलिस्ट का काम कि रिएक्शन को फास्ट करता है। हाँ, कई जगह पे हम रिएक्शन को स्लो, मैंने एग्जांपल बताया, अगर स्लो नहीं करते तो रिस्क वाला फैक्टर है, काम कर रहे हैं जी एक्सप्लोजन हो गया, वो खतरनाक ही है। तो इसलिए कहता है कि कई जगह पर रिएक्शन को हमें स्लो डाउन करना पड़ता है। तो दैट इज वी कैन यूज एज एन वर्ड नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं जिसको हम अपना, और जो इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेगेटिव कैटलिस्ट ना बोलकर वहाँ पर वर्ड यूज करते हैं जी हम अपना पॉइजन द सोल्यूशन। तो जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा अपना पॉइजन द सोल्यूशन, रोजरमल रिडक्शन आएगी एडिड कीटोन चैप्टर के अंदर, नेमिंग रिएक्शन है, तो वहां पर वर्ड आएगा जी पॉइजन द सोल्यूशन। ठीक है, तो पॉइजन द सोल्यूशन का मतलब रिएक्शन को हमने स्लो डाउन कर दिया जी कैटलिस्ट डालकर। ठीक है, तो ये वर्डिंग पूछनी है, मैंने एक वर्ड ये बोलूंगा पॉइजन द सोल्यूशन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है दिवांशु जी, तो वर्ड याद है ना कि पॉइजन मतलब सोल्यूशन को, मतलब रिएक्शन को स्लो डाउन कर देना। तो उसने कहा कैटलिस्ट का काम रिएक्शन को तेज करना है, तेज क्यों, कैसे कर देता है वो पूरा अपना ग्रीन का मार्कर से मैंने पाथ बनाया, वो अपना एक नया पाथ बनाता है, उस पाथ के अंदर वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाता है, जो काम आधे घंटे में होता वो 15 मिनट में हो गया जी। तो दैट इज अ मेजर रोल होता है कैटलिस्ट। अब उसने कहा कि हाइबर प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 10+1 वी हैव डन दैट, अमोनिया को बनाया जाता है, पी ब्लॉक भी कर चुके हैं जी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ते हैं, अमोनिया गैस बना देते हैं। अब उसने कहा जी इसमें आयरन कैटलिस्ट डाल दिया, कैटलिस्ट डाला था, रिएक्शन आधे घंटे में होना था, आयरन कैटलिस्ट डाल दिया, समय रिएक्शन 15 मिनट में हो गया, और फास्ट चाहिए, नेचर है हमारी हर चीज को भी फटाफट मिल जाए बस इधर उधर, ठीक है ना। तो कहता है जी और उसमें प्रोमोटर, उसमें फिर कैटलिस्ट के साथ हम ऐड करते हैं जी प्रोमोटर, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रोमोटर, दैट इज हां जी अगेन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ने रिएक्शन को फास्ट किया, और ज्यादा फास्ट करने के लिए 5-15 मिनट का भी काम हमने 5 मिनट में कर दिया वो प्रोमोटर। तो इसमें हैबर प्रोसेस के अंदर आयरन कैटलिस्ट था, मॉलिब्डेनम डाला गया, MO सिंबल रहता है जी हमारे पास, मॉलिब्डेनम वाज द प्रोमोटर जो उसकी कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को भी क्या कर देता है जी, बढ़ा देता है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। तो दिस वे उसने वर्ड यूज किया यहाँ पर प्रोमोटर एंड कैटलिस्ट वाले टॉपिक के अंदर ही वर्ड असाइन करता है प्रोमोटर एंड पॉइजन। तो प्रोमोटर तो क्लियर हो गया जी, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, पॉइजन जो कम कर देगा, और बताया कि पॉइजन का भी रोल है, ठीक है ना। अगर अल्कोहल की जो साइकिल में बता रहा था उस दिन भी अल्कोहल चैप्टर वी हैव डन दैट, कि अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करते हैं जी, मुझे पता है मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन की तो मिथेनॉल बना, मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन की तो मिथेनोइक एसिड बना, ठीक है। तो हम तो रिएजेंट तो सीधा अल्कोहल में डाल देते हैं K2Cr2H2SO4, और वो रिएक्शन जी बनता है एडिहाइड, और दोबारा उस पर अटैक करता है एडिहाइड, पूरा एसिड पे जाकर रिएक्शन रुकता है। तो अब हमें क्या चाहिए होगा एडिड कीटोन चैप्टर में, क्या करना होगा हमें अपना हर्ष, हमें रिएक्शन को एल्डिहाइड पर ही रोकना होगा, रिएक्शन भाई वो एसिड पे जाए ना, एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक जाए, तो फिर वहां पर अगेन हम पॉइजन वाली स्टोरी को कॉल करेंगे जी। ठीक, पॉइजन भी रिएक्शन को फर्दर स्टॉप कर देना, आगे निकले ना रिएक्शन, ठीक है। ऐसे ही अल्कोहल की अगर एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड भी चैप्टर है हमारे पास, उसकी रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल तक पहुंचते हैं, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट तो डाल दिया हमने अपना, अपना काम करता रहेगा इधर-उधर, उसको पहले एडिड बनाएगा एडिड से अल्कोहल, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड से जब एडिड बनाने होंगे तो अगेन उसमें फिर रिएक्शन में पॉइजन डाल दिया जाएगा जी, पॉइजन कैटलिस्ट डाल दिया जाएगा जो क्या करता है रिएक्शन को एल्डिहाइड पे रोक देगा। तो वहां पर फिर काम आने वाला है जी वर्ड, दैट इज पॉइजन, डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट, दैट इज द पॉइजन और प्रोमोटर वर्ड असाइन करते हैं। अगेन उसने असाइन किया जी कैटलिस्ट के भी 2 टाइप्स होते हैं जी हमारे पास, होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस, होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड
हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, कुछ नहीं है। कहते जी आपका जो फेस, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, स्पेशली अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था, नाइट्रोजन लिया था एग्जांपल, और क्या था, हाइड्रोजन था, कंबाइन करके क्या बनता है, अमोनिया। कैटलिस्ट कौन सा यूज किया था यहाँ पर, आयरन सॉलिड, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट किस फेस के, गैस के। कैटलिस्ट कौन सा फेस में, सॉलिड में, फेस हो गया अलग, दैट इज कॉल्ड द, इसको बोला गया हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। कहते जी अगर सेम फेस, वी कैन से दैट सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंड विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड गैस 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 गैस, सारे के सारे, मतलब आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट और जो आपका कैटलिस्ट है वो भी सेम फेज में चल रहा है जी, दैट इज कॉल्ड द होमोजेनियस कैटालिसिस। ठीक है, अगर फेज अलग हो गया कैटलिस्ट का हमारे पास, तो शायद दैट इज कॉल्ड द हेट्रोजीनियस। ठीक है, अगर सेम फेज चल रहा है जी, दैट इज कॉल्ड द होमोजेनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस में, होमोजेनियस में लेके चलता है जी, फर्स्टली NO कंबाइन टू द O2 एंड फर्दर कंबाइन टू द SO2 एंड टू फॉर्म SO3। तो दैट इज द मैकेनिज्म मेजर, सबसे ज्यादा जो मैकेनिज्म आता है जी वो किसका आता है, मैकेनिज्म ऑफ द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। कुछ नहीं है जी, उसने कुछ डायग्रामेटिकली शो किया कि जो आपका सरफेस, स्पेशली कैटलिस्ट जो लेके चल रहा है जी, आयरन है, उसके ऊपर नंबर ऑफ साइड्स है देयर, तो रिएक्टेंट को, दोनों को, रिएक्टेंट को N2 और H2 को अपने साथ कंबाइन करवाता है। फर्स्टली कहते हैं कि सर्फेस पे आपके जो रिएक्टेंट है वो उसके ऊपर क्या होगा, सर्फेस पे अगर एड्सॉर्ब होंगे। ठीक है ना, अब वो कहता है कि स्पेशली दो रिएक्टेंट ने आपस में कंबाइन करना था, इस पे उनका जो सरफेस एरिया बहुत कम था, बट जब ये रिएक्टेंट इसके साथ आकर कंबाइन कर गया, अभी पूरा सरफेस बन गया इंदिस पे, ये रिएक्टेंट जो है आपका, इसके लिए पूरा सरफेस है कंबाइन होने के लिए। तो नेचुरली बात है जी, एक तो सर्फेस एरिया इंक्रीज कर देता है जी, स्पेशली इसने मेंशन किया कि ये जो कैटलिस्ट आप यूज करते हो किसका मेजर रोल क्या रहता है, एक तो सर्फेस एरिया बढ़ गया। ठीक है, तो उसने मेंशन किया, कहता है कि आपको जो रिएक्टेंट को उसने पहले सर्फेस पे एड्सॉर्ब करवाया, स्टेप बाय स्टेप उसने मैकेनिज्म बताया, दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी आ जाए, या फिर व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, दोनों बातें एक ही हैं जी। तो उसने बताया जी इसमें क्या होता है, हर्ष सिंपल, उसने कहा कि जी आपके जो कैटलिस्ट हैं, आपके जो रिएक्टेंट है, वो आपके सरफेस, आपके जो कैटलिस्ट है उस पर आकर एड्सॉर्ब होते हैं जी, उनको एड्सॉर्ब करवाता है। एड्सॉर्ब करवाने के बाद उसने कहा उन दोनों के बीच में जी वो बॉन्ड फॉर्म करवा देता है, कुछ उसने ये बताया, ये कुछ ये शो किया, ये उसने कहा दीज आर द एक्टिव साइट्स, वी कैन से दैट जी एक्टिव साइड्स है। उसने कहा कि पहले ए और बी रिएक्टेंट को उसने अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब करवाया, आगे जाकर उन दोनों के बीच में उसने बॉन्ड फॉर्म करवा दिया, ए बी प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, एंड देन इन सब इनको डिटैच करवा दिया, डिसॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस, ए बी के बॉन्ड फॉर्म होने लगे, अब तैयार है दूसरी स्पीशीज को अपने पे अटैक करवाने के लिए, कुछ नहीं था। तो ये बताया उसने मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी या फिर मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, उन्हें क्या समझाता है जी, पार्टिकल को अपने सर्फेस पे एड्सॉर्ब करवाता है, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, डिटैच कर देता है, तैयार हो जाता है दूसरी स्पीशीज को अपने पर अटैच करने के लिए, दैट इज द मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी और मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, राइट। दैट इज द सिनेरियो ऑफ द कैटालिसिस लेके चला, एंड एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी में भी वो एक ही कहानी लेके चलता है लगभग, कि क्या कि एक्टिविटी है रिएक्शन को बूस्टअप कर देना, तेज कर देना जो लेके। सेलेक्टिविटी में उसने मैंशन किया ये तीन रिएक्शन लेके चला, दैट इज CO+H2, 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 ठीक है ना, बस कैटलिस्ट चेंज करता है, एक में कॉपर यूज किया गया, निकल है, कॉपर है, एंड कॉपर जिंक ऑक्साइड के साथ क्रोमियम ऑक्साइड से इधर अकेला कॉपर, तो इसमें मिथेनॉल, मिथेनॉल, मिथेनॉइक, मिथेन है इसमें, निकल रिडक्शन मिथेन, एंड दैट इज द मिथेनॉल एंड मिथेन, मिथेनॉल एंड मिथेनॉल, मींस वी कैन से दैट कि रिएक्टेंट तीनों में, रिएक्टेंट तीनों में क्या चल रहे हैं, बिल्कुल सेम, CO+H2, 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 निकल कैटलिस्ट, कॉपर जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट, क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस, अगेन अकेला कॉपर। तो मतलब क्या कि जैसा मुझे प्रोडक्ट चाहिए, कैटलिस्ट मेरे पास, रिएक्टेंट मेरे पास है, ठीक है ना, मेरे पास भी कोबाल्ट जिस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसके पास भी, इसके बाद भी, तीनों के पास सेम रिएक्टेंट है, बट आई वांट दैट कि मुझे एल्केन बनाना है, इसको अल्कोहल बनाना है, इसको एडिड बनाना है, तो हाँ जी, तो फिर हम कैटलिस्ट की सिलेक्शन करते हैं जी। तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, निकल कैटलिस्ट डालना पड़ेगा जी, देन मुझे एल्केन मिथेन मिल जाएगा, इसको यूज करना पड़ेगा कॉपर जिंक ऑक्साइड साथ में क्रोमियम ऑक्साइड देन टू फॉर्म द अल्कोहल, इसको यूज करना सिर्फ कॉपर कैटलिस्ट, देन
कहते हैं कि आपको मिल जाएगा, मुझे अपना एडीहेड मिल जाएगा SCHO। तो इट मीन्स जैसा मुझे अपना प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं कैटलिस्ट की क्या करता हूँ जी, सिलेक्शन करता हूँ, दैट इज कॉल्ड द सिलेक्टिविटी। तो वर्ड यूज करते हैं जी एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स जस्ट बूस्ट ऑफ द रिएक्शन, फास्ट ऑफ द रिएक्शन जो कैटलिस्ट करता है, उसमें ज्यादा रोल नहीं था। मेजर थिंग इज दैट द सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी का मीनिंग ये था जी सिलेक्शन करते हैं हम अपना कैटलिस्ट की, कैटलिस्ट की सिलेक्शन करते हैं कि कैसा हमें प्रोडक्ट चाहिए था जी। मैंने कहा कि मेरे पास भी CO+H2, 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 आई वॉन्ट दैट टू प्रिपेयर दैट एल्केन। तो जी मैं अपने उसमें निकल कैटलिस्ट डाल दूंगा। इसने जी अल्कोहल बनाना है, ये अपना कॉपर जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड डाल देगा कैटलिस्ट। इसको सिर्फ एडिड बनाना है तो ये उसमें क्या डाल देगा, सिर्फ कॉपर। तो इसका मतलब जैसा प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो कैटलिस्ट की सिलेक्शन की जाती है, दैट इज कॉल्ड द सिलेक्टिविटी। तो टर्म इन दिस वे लेके चला अपना, तो जी कैटलिस्ट फिनिश हो गया। बचा तो लास्ट में दैट इज द एंजाइम। एंजाइम का काम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जी, बताया था वन टाइम मील। अगर हमारे बॉडी में एंजाइम ना होते तो एक टाइम का खाना 50 साल में जाकर डाइजेस्ट होता है जी, जो काम 5 घंटे में हो जाता है बाबा भैया, ठीक है ना। अगर एंजाइम ना होते वो 50 ईयर्स में जाकर डाइजेस्ट होता, ठीक। सो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जी, रिएक्शन को 20 टाइम्स मतलब 10 to 20 times इंक्रीज कर देते हैं, रिएक्शन को फास्ट और स्पेसिफिक होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर बहुत लिमिटेड में है बट स्पेसिफिक हैं। स्पेसिफिक का मतलब है कि हर एक काम के लिए बॉडी में हर एक एंजाइम को ड्यूटी दे रखी है। अभी अगर ये कुछ भी करना है, यूरिया आया बॉडी में तो यूरियाज जाएगा, माल्टोज आया तो माल्टेज जाएगा, ठीक है। तो हर एक काम के लिए हर एक एंजाइम की ड्यूटी फिक्स है। जो भी चीज में बॉडी में जो भी चीज फॉर्म होगी उसके अकॉर्डिंग उस एंजाइम को मूव करना पड़ेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्पेसिफिसिटी। तो उसने कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चला जी, एक तो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, एंजाइम का काम क्या हो जाए रिएक्शन को फास्ट कर देना। दूसरा लेके चला जी कि आपका बहुत लिमिटेड अमाउंट में है बट जो वर्क है इसका बहुत एफिशिएंसी मान लो या स्पीड अप मान लो। मैंने एग्जांपल बताया था स्पेशली कि कर्ड फॉर्मेशन यू दैट दही जब जमाते हैं हम अपना, ठीक है ना, उसमें जब जिसको हम खट्टा बोल देते हैं जी हम अपना, ठीक है ना, वो ऐड करते हैं वो पूरे मिल्क कंटेनर के अंदर, जस्ट 1 या 2 स्पून मैक्सिमम है, 1 स्पून एक चम्मच से काम चल जाता है जी। मतलब हमारे पास जो मिल्क था उसका अमाउंट बहुत ज्यादा था, समझो, जबकि जो उसमें डाला गया अमाउंट वो बहुत कम है। उस कम वाले अमाउंट में है जी वो सारे एंजाइम है, मतलब उनका नंबर बहुत कम रहता है बट बहुत इफेक्टिवनेस जी उनकी बहुत ज्यादा है। वो ये बता रहा है कि बहुत इफेक्टिव रहते हैं जी हमारे पास, ठीक है ना, लिमिटेड क्वांटिटी में है, उनका जो कंसर्न है उनका जो काम है वो बहुत स्पेसिफिक रहता है, ठीक। और एक स्पेसिफिक पीएच पर बताया कि स्पेशली कि बॉडी के स्पेशली जो पीएच है उस पर फूड को इंटेक करवाया, फूड स्टमक में जाते हैं सारे गैस्ट्रिक जूसेस से, स्टमक से जी हमारे गैस्ट्रिक जो लेके चलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस में आ गए, स्पेशली HCl, पेप्सिन और म्यूकस सीक्रेट होता है सबसे पहले स्टमक में जो फूड मूव करता है हमारा। तो HCl फूड को क्या कर देता है जी, एसिडिक बना देगा, एसिडिक बना देगा, पेप्सिन जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा वो जो प्रोटीन है उसको तोड़ना शुरू कर देगा जी, मतलब प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द स्टमक बिगिंस दैट, ठीक है। तो अगर अगर वो एंजाइम स्पेशली एसिडिक HCl ना सीक्रेट हो तो क्या होगा जी, पेप्सिन अपना काम नहीं करेगा। तो मतलब क्या कि पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट कब होना है जी, जब उसको क्या मिलना है, एसिडिक मीडियम मिलना है। तो मतलब इसका मतलब कि जो एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं, एसिडिक मिला तो काम करना, अदरवाइज नहीं। एग्जाम है तभी किताब खुलनी है, खुलनी है, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक, तो वो लेके चल रहा है जी HCl मिला तब काम किया, फूड को ब्रेक डाउन किया एंड देन फर्दर मूव करते हैं जी फूड हमारा इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन में सीट होते हैं जी बेसिस, तो वहां हमारे पास एंजाइम अपने काम करेंगे। तो अगर ये बेसिस और एसिड सीक्रेट ना हो, ठीक है ना, पूरा बैलेंस है जी हमारे बॉडी में, एसिड भी बनते हैं जी बेस भी बनते हैं, ठीक। तो अगर ये एसिड बेस ना सीक्रेट हो तो हमारे एंजाइम काम नहीं करेंगे, सो दैट इट शोज दैट कि एक स्पेसिफिक पीएच पे काम होता है जी, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे भी। फीवर है, फीवर के टाइम में कुछ सिंपल चपाती दाल जो भी खिचड़ी हुई डॉक्टर रिकमेंड करता है, कभी रिकमेंड नहीं करता पिज्जा बर्गर खाओ, ठीक है ना, बिकॉज उस टाइम क्या है जी, क्योंकि आपने खा लिया सामने आ गया कंट्रोल नहीं हुआ, क्या करें, मैगी आ गई नहीं कंट्रोल हो रहा क्या करें। सो उस टाइम क्या कि बॉडी से जो मैंने बताया स्पेसिफिक टेम्परेचर पे भी वही काम करते हैं हमारे एंजाइम ने, एंजाइम ने काम नहीं किया, फूड खा लिया अंदर डाल दिया, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक करवा दिया, तो उससे क्या होगा जी, आपके एंजाइम ने काम ही नहीं किया, अब वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वॉमिट के थ्रू हमारे बॉडी उसको बाहर निकाल। सो दैट्स वाई यू कैन से दैट कि जो हमारे एंजाइम है एक स्पेसिफिक पीएच पर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं जी।
एंड द लास्ट वन दैट इज द कोएंजाइम. कोएंजाइम सिंपल कुछ नहीं था कि एंजाइम ही है, उनके साथ जब मेटल आयंस कंबाइन कर जाते हैं, व्हेन द मेटल आयंस कंबाइन टू द एंजाइम टू स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन को तेज करने के लिए, बस कुछ नहीं, उसको लिए वर्ड हमने असाइन किया कोएंजाइम. कोइंसिडेंस बोल देते हैं ना अपना, वैसे ही वर्ड वहां से उठाया उसने कोएंजाइम, कि व्हेन द एंजाइम कंबाइन टू द मेटल आयंस दैट इज कॉल्ड द कोएंजाइम. तो यहाँ तक टॉपिक हमारा क्लियर होता है. एक आगे जियोलाइट्स है वो उसको बता दूंगा, मतलब हाफ चैप्टर मैंने कहा था कि कवर्ड वी कैन से दैट. तो आगे जो पूरा चैप्टर है दैट इज कंसर्न टू द कोलाइडल स्टेट, पूरा चैप्टर पूरा, मतलब तीन सोल्यूशन होते हैं. 9th में भी कभी पढ़ते थे हम समर्थ, ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल, रिमेंबर दैट 10th क्लास 9th क्लास सॉरी. ट्रू सोल्यूशन का एग्जाम्पल आयुष, ट्रू सोल्यूशन का एग्जाम्पल सोल्ट इन वॉटर, हाँ जी, और सस्पेंशन का सैंड इन वॉटर, हाँ जी, एंड कोलाइडल का मिल्क इज द बेस्ट एग्जाम्पल. ठीक है, तो ये इस आगे जाके पूरे चैप्टर में कोलाइडल की स्टडी है, सॉल्यूशन जो यूज करता है, तो पूरा आगे कहानी कोलाइडल स्टेट की है. तो डे आफ्टर टुमारो वी स्टार्ट दैट कोलाइडल स्टेट. चलिए सबको.